अलैकुम, क्या हाल है आपके? आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी पुलाव। इसके लिए मैं पहले ऑयल गरम हो रहा है और इसमें मैं ये स्लाइस किए हुए प्याज डाल दूँगी। प्याजों को मैं करूँगी अच्छी तरह ब्राउन और पानी का छींटा दूँगी और फिर मसाले डालूँगी। मसाले कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये है अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, सब्ज मिर्चें, टमाटर। ये है दही। सारे मसाले मैं इस दही में मिला के फिर चिकन में ऐड करूँगी। ये चाट मसाला और ये लाल मिर्चें और जो ये सारे मसाले हैं वो सब ये इस दही में ऐड करूँगी और साथ बिरयानी मसाला डालूँगी। ये बादियान के फूल भी हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। फूल बेचारा खजा में आ गया लेकिन इसका टेस्ट वही होगा, बेशक ये टूट भी गया है। तो ये दही में मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाले का एक पैकेट और फिर दही को अच्छी तरह मिक्स करके रख लूँगी। ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इनको थोड़ा डार्क ब्राउन करूँगी ताकि ना चावलों का रंग ज़रा डार्क डार्क सा आए। अगर चावल ये प्याज वाइट वाइट रखें तो चावल भी वाइट वाइट बनते हैं, फिर बच्चों को, मेरे बच्चों को तो नहीं पसंद आते, उनको तो डार्क कलर में पसंद है। इन्हें अच्छी तरह डार्क ब्राउन करके फिर मैं इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। ये हो गए हैं डार्क ब्राउन। अब मैं पानी का छींटा लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी ये भी देख लें। ये इसके ऊपर ढक्कन दे के एक साइड से थोड़ी जगह रखूंगी और इधर से पानी डालूंगी ताकि मेरे पे छींटे ना आए। अब मैं ऐड करूंगी इसमें नमक और जीरा। कोशिश करें कि जब खाना बनाए ना तो बावजू हो, वज़ू करने पे कोई टाइम नहीं लगता, वज़ू करके रखा करें तो वज़ू में रहें हर वक्त, कोशिश यही करें। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन डाल के इसे मैं अच्छी तरह भूनूंगी और फिर दही जो हमने तैयार किया था मसाले वगैरह डाल के वो डाल के भूनेंगे। ये चिकन की अच्छी तरह तकरीबन भुनाई हो गई है। अब मैं ये दही ऐड करके इसे मज़ीद भूनेंगे। इसको मैं साफ कर लूँगी या पानी डाल के इसमें डाल दूँगी, ज़ाया नहीं करना, किसी भी सूरत इसको ज़ाया नहीं करना, इसकी कदर करनी चाहिए। इसकी कदर ना करें तो रिस्क नाराज भी हो जाता है। ये अब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 3 गिलास चावल है तो मैं 6 गिलास पानी डालूंगी। ये पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें मैं चावल ऐड करूंगी। चावल ऐड करके एक दफा बस चम्मच लगाएं और फिर इसे ढक के रख दें। ये हो गए चावल बिल्कुल रेडी। आप भी एक दफा बनाएं और खा के बताएं कैसे बनते हैं। मजेदार, बहुत ही मजेदार। जब मैं ये पकाने शुरू करती हूँ ना, मेरे बच्चों के सवाल शुरू हो जाते हैं, कितनी देर है, कब तक पकेंगे। पक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।